धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक परिसा संगे जीव सत्संग में इंसान जब चल के आता है, दिलो दिमाग में जो विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, शंकाएं होती हैं, सवाल होते हैं, उनका जवाब पूरी सत्संग सुनता है तो कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाता है, इशारा मिल जाता है, हल मिल जाता है। और सुन के अमल करे तो वाकई उसकी वो गम चिंता परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो वचन बहुत जरूरी है, संतों के सत्संग में सुन के अमल करना। सत्संग घंटा आध घंटा जो भी समय आप देते हैं, भगवान पे एहसान मत किया करो। कई बार आपको लगता है कि लो भाई मैं सत्संग में आ गया, देख भगवान मैंने तेरा राम नाम सुन लिया, एहसान क्यों जताते हो? आप सत्संग सुनते हो तो कर्म आपके कटेंगे, कर्म आपके बनेंगे, तो इसमें एहसान जताने की तो कोई बात ही नहीं। बल्कि होना यह चाहिए कि हे मालिक मैं तेरा शुक्राना करता हूं कि तूने कृपा की तभी मैं सत्संग में चल के आ गया, तूने कृपा की हे ईश्वर तभी सत्संग सुन के अपने भाग्य को मैं बदल पाऊंगा या बदल डालूंगा। तो उस मालिक का, वाहिगुरु का, राम का, ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए, ना कि कोई एहसान जताना चाहिए। इंसान कैसे कर्म करता है ये तो इंसान जानता है, उसके अलावा भगवान जानता है। इंसान कर्म करता है उसका फल चाहिए, हर किसी को चाहिए, लेकिन ईश्वर जिस हाल में रखता है भक्तजन उसी हाल में रहते हैं। पता नहीं वो जिस हाल में रखे उसके बदले में क्या दे डाले, कुछ कहा नहीं जा सकता उस राम का, ईश्वर का, प्रभु परमात्मा का। बस नेगेटिव ना सोचा करो। आदमी का दिमाग, आदमी की विल पावर, आत्मबल आदमी को बहुत कुछ दिलाता, बनाता, बिगाड़ता है। आपने दिमाग में सोच लिया कि मैं नहीं थकूंगा तो आप नहीं थकते, और बिना वजह सोच लिया कि मैं थक गया तो बैठे बैठे थक जाओगे, कई खाली रहते रहते थक जाते हैं, और कई सुबह शाम दिन रात कार्य करते रहते तो भी थकावट नजदीक नहीं आती।
कई चारपाई पे करवट बदलतों की मसल खिंच जाती है और कई सारा दिन फावड़ा चलाते पता ही नहीं चलता। सो दिमाग की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप सोच लेते हैं कि आप कभी तरक्की नहीं करेंगे तो नहीं करोगे, और अगर आप सोच लेते हैं कि मैं हारी बाजी जीत के दिखाऊंगा तो आप जीत जाते हैं। इसलिए नेगेटिव ना सोचा करो, और मालिक के प्यारे को तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरे के पास सहारा नहीं होगा, आपके पास तो सहारा सदगुरु प्यारा होता है, राम अल्लाह वाहिगुरु होता है। कोई बात होती है तो आप कहते यार मेरा मालिक जाने, उसका काम जाने, कर्म कर डालो, अच्छे कर्म करते चलो, सदगुरु माला जरूर फल बख्शेंगे। कितना बढ़िया तरीका है। पर फिर भी आप टेंशन लेके बैठ जाते हैं, फिर भी परेशानियां। एक टाइम भैंस ने दूध नहीं दिया तो आप चारपाई पे लेट जाते हो, उससे ज्यादा दूध आ जाएगा। घर में बच्चा बीमार हो गया, हो ये क्या हो गया, अरे चलता रहता है उतार चढ़ाव जिंदगी में, हो गया थोड़ी दवा दारू करो ठीक हो जाना है, इसमें टेंशन वाली क्या बात। कई बड़े सेंसिटिव टाइप के लोग होते, बात बात पे टेंशन, बात बात पे चिंता, बात बात पे परेशानियां। हवा इधर से चल पड़ी तो परेशानी, उधर से चल पड़ी तो परेशानी। कईयों को हवा से चक्कर पड़ा रहता है, इसकी चारपाई की तरफ से हवा क्यों आई, उसके कमरे की तरफ से हवा क्यों आई बताओ। अब कमरा तो उठा के इधर उधर जा नहीं सकता, और ईश्वर की मर्जी हवा जिधर से वो भेजेगा उधर से आएगी आएगी। लेकिन भ्रम जिसे कहते हैं ना, वो और नेगेटिविटी, दो चीजें जब तालमेल बैठ जाते हैं तो आदमी की जिंदगी नरक में हो जाती। सफाई रखना कोई भ्रम नहीं होता, अच्छे कर्म करना कोई भ्रम नहीं होता, अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना कोई भ्रम नहीं होता, और सुमरण करके दर्श दीदार हो चाहे सपने में हो चाहे प्रत्यक्ष, वो भ्रम नहीं होता। इसलिए टेंशन ना लिया करो, कोई कुछ कह दे नेगेटिविटी को पकड़ा ना करो। कई अच्छे भले बंदे को बीमार कर देते हैं, तू तो यार ऐसा दिखता। हमने ज्यादातर गांव में देखा है माता बहने, अब तो पता नहीं थोड़ा चेंज हो गया हो, पर लगता नहीं चेंज हुआ होगा, माता बहने किसी बीमार का पता लेने जाएंगी और बंदे को देख के कहेंगे तू आगे से पीला हो गया, लाल हो चाहे तो भी पीला हो जाता है बेचारा। और आदमी जाएंगे चाहे अनपढ़ क्यों ना हो, हमने अपने कानों से सुना आंखों से देखा, यार कल से तो तू ठीक लग रहा है, तेरी सेहत तो बहुत अच्छी लग रही है, चाहे पीली सेहत क्यों ना हुई पड़ी हो फिर भी लाली आ जाती। तो माता बहनों, पता लेने का मतलब ये नहीं है कि किसी को मार दो। आप किसी का पता लेने जाते हो बीमार का, कभी भी गलत ना कहो, चाहे वो बिल्कुल आपको लगा कि कमजोर हो गया, फिर भी कहो कि नहीं कल से तो तू अच्छा लग रहा है। आपके ये दो शब्द उसको जिंदगी जीने की इच्छा पैदा कर देंगे, और हो सकता है वो बीमारी से लड़के जीत जाए। हर किसी को यही चाहिए, कभी नेगेटिव ना सोचो। पर कहीं होते ही नेगेटिव है, मैं तो उठा नहीं जाना, मैं नहीं खड़ा हो सकता, मैं खा नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, और सब कुछ कर रहे होते हैं फिर भी नहीं। तो ये नेगेटिविटी मत पालो, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, बल्कि लड़ो उन चीजों से जो लगता है कि आपकी जिंदगी में आपको पीछे ले जा रही है। लड़ो अपने मन से जो आपको गलत विचार देता है, लड़ो उन बुराइयों से जो आपके ऊपर हावी होना चाहती है, लड़िए उन गलत ख्यालों से जो आपको कहीं का नहीं छोड़ना चाहती, और जीत जाइए जिंदगी की बाजी। जाना है इस दुनिया से सबने, लेकिन कई आते हैं जिंदगी का दिया बुझा के चले जाते हैं, और कई आते हैं दूसरों के लिए मशाल का काम पूरी जिंदगी करके जाते हैं, और आने वाले समय में दुनिया उनकी मशाल के साए तले चलती हुई रास्ता नापती रहती है। आप मानो ना मानो, आप
चाहो ना चाहो जन्म भी होता है और मरण भी होता है, ये तो होके रहना होता है। आपकी इच्छा से कुछ होने वाला नहीं, आपके टालने से कुछ टलने वाला नहीं। इसलिए जो समय आपको मिला है उसमें अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करते हुए हिम्मत से आगे बढ़ो और नेकी भलाई करते हुए अल्लाह वाहिगुरु राम सदगुरु मौला के गुण गाते हुए खुशियां हासिल करो। हर समय आदमी की मन इच्छा पूरी नहीं होती। परम पिता जी वचन फरमाया करते, सोचा कदे बंदे दियां हुंदियां ने पूरियां, सोचता है बहुत पर रहंदियां अधूरियां। बहुत ज्यादा सोच लेता है इसलिए अधूरी रह जाती है और फिर मन अंदर से मरोड़ा देता है, होगी तेरी इच्छा पूरी, कुछ नहीं हुआ, सतगुरु कुछ नहीं करता। पर जो 100 इच्छाएं पूरी पहले हुई है उनको साफ कर देता है। जैसे बच्चे पहले फट्टी लिखा करते थे, आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं, कलम होती थी, दवात होती थी, क्या गाचनी, दोमट माटी लगा के व्हाइट कलर करते, फिर पेंसिल से लाइनें मारते, फिर शाही से लिखते और जैसे टीचर कहता ओके मारा पानी सारी फट्टी साफ। तो मन ओके कहने नहीं देता, पहले फट्टी साफ कर देता है। राम अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला ने पता नहीं क्या क्या बख्शना होता है, पर अहंकार खुदी बेवजह मान बड़ाई की बातें इंसान को बहुत पीछे ले जाती है। इसलिए दीनता नम्रता का पल्ला कभी ना छोड़ो, राम का नाम जपते रहो और सबका भला मांगो, नेगेटिविटी से नाता तोड़ के रखो। क्यों नहीं होता आपसे अच्छा कर्म, आपसे पहले भी लोगों ने किया है, वो भी मां के पेट से जन्मे हैं और आप भी मां के पेट से जन्मे हो। ये तो नहीं कि वो पहले आसमान से अटपके थे, ऐसा तो कुछ नहीं। तो अगर वो कर्म कर सकते हैं, अगर वो आगे निकल सकते हैं अच्छाई में नेकी में, तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते, जरूर बढ़ सकते हैं। बस मन से लड़िए, बिल पावर आप कीजिए, सुमरन सेवा कीजिए और सबका भला मांगिए। ऐसा करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मालिक झोलियां भरेंगे। जब आदमी सेल्फिश हो जाता है, जब खुदगर्जी का शिकार हो जाता है, ना खुद को खुशियां ना परिवार को खुशियां। इसलिए सबका भला मांगो, सबका भला करो और मालिक से मालिक की भक्ति मांगो, मालिक से बंदों को जोड़ो। तोड़ोगे तो आपकी पीढ़ियां रुड़ सकती हैं, आपकी जो कुलें हैं बर्बाद हो सकती हैं। इसलिए जोड़ने की कोशिश करो और सत्संगत बहुत जोड़ती है। नशेड़ियों को राम से जोड़ते हैं, बुरे कर्म करने वालों को राम नाम से जोड़ते हैं और वो राम नाम लेके बुराइयां छोड़ देते हैं। उनका भला तो हुआ ही हुआ, जिनके कहने से बुराइयां छोड़ी उनके घरों में भी मालिक बरकतों के ढेर लगा देते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।